So hey everyone, welcome to my channel and welcome to a new vlog. So you all are doing super duper great और आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हैं जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है. मेरिट लिस्ट काफ़ी आ चुकी है जहाँ तक मुझे पता है. BSc बायोग्रुप मैथ्स एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर BTech लेटरल एंट्री BCom इन सब के आ चुके हैं मेरिट लिस्ट. बाकी भी आए होंगे मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं इस चीज़ का. तो आप जाइए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखिए, वहाँ पे काफ़ी मेरिट लिस्ट आ चुके हैं. और जिनका नहीं हुआ अभी तक तो कोई बात नहीं, रुक जाइए, अभी आ जाएगा आपका भी आराम से. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मेन अब क्वेश्चन है कि हॉस्टल कैसे प्रोवाइड होगा और कब तक प्रोवाइड होगा. लाइक बहुतों के हो चुके हैं यहाँ पे एडमिशन, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही हो गया उनका, तो अब वो हॉस्टल के बारे में जानना चाहते हैं. तो हॉस्टल का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि वो कितने टाइम में निकालते हैं. लाइक ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ये लोग. पिछले साल के बैच में नवंबर या दिसंबर में स्टार्ट हुए हैं तो उन्होंने हॉस्टल प्रोवाइड करा दिए थे. दिसंबर लास्ट, हाँ लगभग इतने करा दिए थे. जनवरी तक चला था, मेरिट लिस्ट निकले थे और हॉस्टल प्रोवाइड हुए थे स्टूडेंट्स को. तो हॉस्टल का क्या प्रोसीड्यूर है, कैसे हॉस्टल प्रोवाइड होगा, क्या करना होगा, तो ये मैं सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगी. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. चलिए स्टार्ट करते हैं. पिछली बार मैंने गर्ल्स हॉस्टल से स्टार्ट किया था तो इस बार बॉयज़ हॉस्टल से स्टार्ट करती हूँ. सो बॉयज़ हॉस्टल जहाँ तक मुझे पता है, मतलब मैं सारे हॉस्टलों के बारे में तो मुझे नहीं पता है A to Z बॉयज़ का, खासकर गर्ल्स हॉस्टल का आप मुझे पूछ सकते हो. फिर भी तो बॉयज़ हॉस्टल का मुझको हल्का फुल्का थोड़ा है ज्ञान, मतलब मैंने पूछताछ की है थोड़ी बहुत अपने फ्रेंड्स से तो मुझे इतना पता चला है. तो मैं बॉयज़ हॉस्टल के पहले आपको नाम गिना देती हूँ. चौखम्बा बॉयज़ हॉस्टल है बिरला कैंपस में, जो मेन श्रीनगर वाला कैंपस है उसमें ही है. त्रिशूल बॉयज़ हॉस्टल, बाबू जग जीवन राम बॉयज़ हॉस्टल, ये सारे टू सीटर हैं. त्रिशूल और बाबू जगजीवन राम ये दोनों टू सीटर हैं और चौखम्बा बॉयज़ हॉस्टल थ्री सीटर है. स्वामी विवेकानंद हॉस्टल चौरास में है, यहाँ पे चौरास के, मतलब ये जो जो मैं कोर्सेज बता रही हूँ आप, सॉरी हॉस्टल्स बता रही हूँ मैं आपको, ये ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली बीटेक वाले हैं तो बीटेक वाले रहेंगे या ये वाले हैं ये वाले रहेंगे. ये सारे मतलब जो कोर्सेज होते हैं ये कम्बाइंड क्या बोलता है उसे, इकट्ठा रहता है सारे, ऐसे पर्टिकुलरली किसी के लिए हॉस्टल नहीं होता. हाँ जो फॉरेस्ट्री बॉयज़ हॉस्टल है वो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आता है, वो डिपार्टमेंट के अंदर आता है. तो उस वाले हॉस्टल में सिर्फ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स रहते हैं. दूसरा है स्वामी विवेकानंद हॉस्टल, ये वाला हमारा टू सीटर है और चौरास कैंपस में है. आर्यभट्ट रिसर्च हॉस्टल, ये वाला वन सीटर है, ये PhD वालों के लिए है, तो बॉयज़ के PhD वालों के लिए. श्रीदेव सुमन हॉस्टल, ये भी थ्री सीटर है और ये भी चौरास कैंपस में है. तो चौरास कैंपस में आई थिंक 3 हॉस्टल तो ये हो गए और एक बॉयज़ हॉस्टल है, फॉरेस्ट्री बॉयज़ हॉस्टल, आई थिंक इतने ही हैं 4. बाकी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, अगर कोई जानने वाला मेरी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर. और गर्ल्स हॉस्टल का मैं बता देती हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में भी 6 हॉस्टल यहाँ पे हैं, 2 हॉस्टल बिरला कैंपस में हैं, चौरास में 6 हैं. तो इनका अब प्रोसीड्यूर पे आती हूँ मैं कि कैसे कैसे आप लोगों को हॉस्टल मिलेंगे. सबसे पहले मैंने पहले वाली वीडियो में ये क्लियर कर दिया था आप लोगों को कि हॉस्टल किस बेस पे मिलते हैं. हॉस्टल मिलेंगे आपके 12th के बेस पे, 12th के परसेंटेज पे, या फिर जो UG करके आया, मतलब लाइक PG के लिए आ रहा है उसके तो UG के मार्क्स पे ही डिपेंड करेगा हॉस्टल. और मेरिट लिस्ट यहाँ पे काफ़ी हाई जाती है, लाइक काफ़ी दूर दूर से बच्चे, बहुत पढ़ाकू बच्चे आते हैं तो उनको ईजिली हॉस्टल प्रोवाइड हो जाता है. फर्स्ट या सेकेंड मेरिट लिस्ट में ईजिली उनका नाम आ जाता है. जब तक सीट भरी नहीं होती मतलब मेरिट लिस्ट निकलते हैं. तो ये तो हो गई हमारे हॉस्टल की बात. हॉस्टल की फ़ीस मैं काफ़ी बार बता चुकी, मैंने जब वीडियो बनाने स्टार्ट भी नहीं की थी छिन्नवी की, तब से मैं बता रही हूँ हॉस्टल के फ़ीस के बारे में. तो फीस UG का है 3980 रुपीज़, वो भी फर्स्ट ईयर में 1000 रुपीज़ सिक्योरिटी फ़ीस होती है एंड 2980 रुपीज़ हमारी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे बढ़ती है. और जो लास्ट ईयर होता है नो ड्यूज फॉर्म के मदद से हमें सिक्योरिटी फ़ीस वापस मिल जाती है 1000 रुपीज़.
और बाकी मैस जो होता है, मैस यहाँ पे सारे जितने भी हैं बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, किसी में भी गवर्नमेंट मैस नहीं चलती है, सब में प्राइवेट मैस चलती है जिसकी फ़ीस है 2500 और बॉयज़ हॉस्टल की आई थिंक 3000 से ही स्टार्ट है उनका। और चलिए फिर ये तो हुई हॉस्टल की बात। अगर हॉस्टल लिस्ट निकलती है उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, बाकी उसके बाद आपको सीट अलॉट हो जाती है, कौन सा रूम नंबर केयर टेकर करती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी कि आपको कौन सा हॉस्टल चाहिए। आपको जहाँ मेरिट लिस्ट बनेगी उस आपके परसेंटेज के बेस पे ही हॉस्टल मिलेगा। ऐसा नहीं आपको चॉइस 1% भी चॉइस नहीं मिलेगी कि आपको कौन सा हॉस्टल पसंद है, कौन से में आप जाना चाहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो दिया जाएगा अलॉट होगा, आपको उसी हॉस्टल में रहना पड़ेगा चाहे आपको पसंद आए या ना आए। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लाइक यहाँ पे बहुत सारे पुराने पुराने हॉस्टल्स भी हैं जिनको देख के ऐसा लगता है ओ माय गॉड यहाँ पे रहना कैसे, बट रहने के बाद आदत पड़ जाती है और सब चीज़ें अच्छी लगती है। तो ये तो हो गई हमारे हॉस्टल की बात, और ये अब करते हैं दूसरी बात, जो हॉस्टल मतलब कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। तो कॉलेज में बहुत सारे बच्चों के मेरिट लिस्ट में नाम आ चुके हैं और बहुत सारे के कोलैप्स हो रहे हैं डेट, लाइक उनकी काउंसलिंग कहीं और भी है और यहाँ पे भी बुला रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। वो आपको यूनिवर्सिटी से बात करनी होगी, उसका मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। इस बारे में काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था, इस बारे का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आप लोगों को शायद मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करना चाहिए और पूछना चाहिए कि वेरिफिकेशन का अगर कुछ हो सकता अदर सोल्यूशन या दूसरा रास्ता निकल सकता तो शायद ये हेल्प करेंगे यूनिवर्सिटी। तो आपको अभी तो फ़िलहाल फीस भरने की डेट ही बताई होगी, विद इन वन वीक एक हफ्ते के अंदर आपको भरना होगा फीस। उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगी, जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बच्चे फीस सबमिट कर लेंगे उसके बाद ही सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलती है और टाइम ड्यूरेशन मिला होगा, मेल आया होगा आप लोगों को। एंड सेकेंड थिंग, जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने आपने अटैच किए थे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी लानी पड़ेगी, हार्ड कॉपी एंड प्लस फोटो कॉपी ओरिजिनल वाले की, और ओरिजिनल भी साथ में वो, ताकि वेरीफाई करें तभी आपका एडमिशन यहाँ पर पक्का होगा। वरना तो रिजेक्ट भी हो जाते हैं काफ़ी एडमिशन्स अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हैं, फेक हैं, तो उस बेस पे एडमिशन पक्का होता है। बाकी कोलैब जो हो रहे हैं आप लोग को इस क्वेरी को प्लीज़ यूनिवर्सिटी से बोलिए, यूनिवर्सिटी हेल्प करेगी आप लोगों की और उनको पूरा जो भी आपका है इशू उनको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना। आई थिंक काफ़ी है आज के लिए, मतलब जितने आप लोगों ने मुझसे पूछा था, जितना मैं जानती हूँ, ऐसा तो है नहीं मैं परफेक्टली पूरे कॉलेज को हर डिपार्टमेंट को अच्छे से जानूँगी, पर जितना ओवरऑल व्यू आप लोगों को मैं बता रही हूँ यहाँ पे, लाइक आप लोग बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पे आने वाले हो, बहुत उम्मीदें होती है, बहुत सपने होते हैं, सोचा होता है काफ़ी, हम भी स्टार्टिंग में तो ऐसा था हमारे साथ भी कि यार कैसा होगा क्या होगा, स्कूल लाइफ से तुरंत निकल के मतलब यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है। सो आप लोगों को बस मैं यही कहना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जिनके मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आए वो श्योरली आ जाएंगे, और टेंशन जो भी है, इश्यूज जो भी हैं, आप बताइए, एक क्वेरीज पूछिए और सॉल्व हो जाएगा। सो आपको अगर अभी भी कोई डाउट है किसी भी चीज़ को लेके तो प्लीज़ बताना नीचे कमेंट में। और प्लस मैं अभी कुछ दिन बाद, मुझे टाइम लगेगा क्योंकि अभी मेरे फिर से ब्रेक चल रहा है, एग्ज़ाम मेरे फिर से स्टार्ट है 14 से। सो अभी तो जितना भी टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा ब्लॉग शूट कर लूँगी, हॉस्टल दिखाऊँगी, गर्ल्स हॉस्टल दिखा सकती, बॉयज़ हॉस्टल का तो कुछ कह नहीं सकती, गर्ल्स हॉस्टल दिखाऊँगी, अपना रूम टूर दूँगी क्योंकि रूम टूर के लिए भी बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि अब दिखाइए कैसा है, कैसा रूम है। और जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ उस हॉस्टल में, मतलब ये हॉस्टल सबसे नया हॉस्टल है पूरे 6 हॉस्टल में से, 6 हॉस्टल में से एक ये नया है, बाकी 5 पुराने, इसलिए ये थोड़ा चमक रहा है, बाकी भी अच्छे हॉस्टल्स हैं काफ़ी यहाँ पे। तो चलिए फिर ज़्यादा बकवास ना करते हुए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। होप सो आप सभी लोगों का, जितने भी चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी में आना, आप सब लोगों का एडमिशन हो जाए, और अदर जो कॉलेजेस में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों के एडमिशन हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग और स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।
किसी ने